जैसा कि थायराइड का काजेज टाइप्स सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर की पूरी चर्चा हो चुकी थी, वो वीडियो कल पब्लिश हो जाएगा, आप लोग सब देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ऐसा नहीं है कि ये अगर हम चीजें अपनाएंगे तो थायराइड ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो सकता है और ठीक हो जाएगा। मैं जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देती हूँ, जनरल जो ट्रीटमेंट रहती है, वही सब चीजें आपको बता रही हूँ। और इसके साथ अगर आपने योग प्राणायाम जो भी मैं बताऊंगी वो 100% फॉलो किया तो आपका थायराइड ठीक होना पॉसिबल है। नामुमकिन इस धरती पे कुछ भी नहीं है, मनुष्य जो चाहे वो सब कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि थायराइड के लिए हमें कैसा खान पान चाहिए। तो सबसे पहले आरओ का वाटर, जैसे आप लोगों को याद हो या नहीं याद हो तो पता नहीं है मुझे, मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था कि B12 की डेफिशिएंसी होती है तो भी थायराइड डेवलप होती है। तो आरओ का जो पानी है वह पीने से जो सारे मिनरल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। मैं होलिस्टिक हेल्थ के मीना में ऑलरेडी बता कर आई हूँ। तो B12 मिलेगा ही नहीं। B12 क्या है? B12 जो है वो वाटर सोल्यूबल है। अगर पानी ठीक से ना पचा, पानी ठीक से ना हुआ तो फिर यही प्रॉब्लम रहेगा कि B12 की डेफिशिएंसी हो ही जाएगी। तो अगर उसमें थायराइड भी डेवलप हो जाएगा, पहले के केसेस में अब हम देखें तो थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इतना जल्दी बढ़ रहा है जैसे सर्दी और जुकाम और फीवर होता है। इस तरह से आज ही मेरे पास अपॉइंटमेंट थी, 7 सवा 7 तक मैंने 2 पेशेंट देखे, कंसल्टेंसी थी तो दोनों की काफी फाइल्स देखी। उसमें यही मुझे मिला कि थायराइड पहले तो नहीं था, 6 मंथ में डेवलप हुआ और गोली भी स्टार्ट हो गई। उसके साथ मैंने बोला हार्ट का भी प्रॉब्लम होगा, बोले हाँ हार्ट भी है डायबिटीज भी है। विद इन अ 1 ईयर इतनी सारी टेबलेट्स, 4 to 5 सुबह को है और 4 to 5 शाम को भी है। तो अगर पानी सही नहीं है तो फिर और चीजें सही होने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अगर थायराइड क्योर करना है तो आरओ के वाटर से बचना रहेगा, आरओ का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और पानी कौन सा पीना चाहिए, अभी सब लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि ये सेशन पूरा हो तो हम पूछ लें कि पानी फिर कौन सा पिए। तो वो होलिस्टिक हेल्थ विथ मीना में मैं ऑलरेडी बता कर आई हूँ पानी सबसे बेस्ट किस चीज का होता है और कौन सा पीना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया आरओ का वाटर। आरओ का वाटर थायराइड को डेवलप करता है, क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। नंबर 2 आएंगे जो आजकल, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो साल्ट आ गया है वो साल्ट जो है वो आयोडीन बेस्ड आया है। तो आयोडीन बाहर से उसमें एज ए सप्लीमेंट मिक्स किया जाता है और वो हम खाते हैं। तो जैसा कि लास्ट के सेशन में मैंने थायराइड में बता दिया था कि T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, ये टोटल जो बीमारी है वो आयोडीन बेस्ड ही होती है। आयोडीन के कितने आइटम्स हैं, उसको T4 को जो 4 आइटम को कंट्रोल करता है, T3 4 आइटम को कंट्रोल करता है। तो ये जो आयोडीन है, अगर हम बाहर से सॉल्ट लेते हैं अगर वो कम हो गया या ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ होती है। मेजोरिटी हाइपो थायरॉइडिज्म है, हाइपर थायरॉइडिज्म बहुत कम है, मेजोरिटी हाइपो थायरॉइडिज्म है, यानी मोटे होने वाली थायरॉइड लोगों में ज्यादा है, मेल के कंपैरिजन में वुमेन में ज्यादा है। तो बाहर का जो आयोडीन युक्त नमक है, जो आयोडीन के साथ नमक है, वो खाना हम बंद करेंगे। तो नमक कौन सा खाएंगे, अभी जो सिंपल सेंधा नमक है वो सबसे बेस्ट होता है। अगर वो भी आप खाना ना चाहें तो आप जैसे नॉर्मल नमक आता है, पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे घर में इतना रॉ सॉल्ट आता था, फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए फटाफट धोकर और सुखा देते थे और फिर अब हाथ से कूट के हम यूज करते थे। और अभी तो वो सब पैकिंग में भी मिलता है, लेकिन उसको बोलते हैं कि सादा वाला नमक, सिंपल सॉल्ट, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी जो
थायराइड के लिए जो आयोडीन लेना होता है जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो सबसे अच्छा किसमें होता है? तो वो एक तरह की सब्जी होती है, उस सब्जी को हम लीमा बीन्स के नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ उसको पापड़ी बोला जाता है। होती फ्रेंच बीन की तरह ही है, थोड़ी डिफरेंट होती है, चपटी होती है, ब्रॉड होती है और जब हम उसका डंठल निकालते हैं, कटिंग करते हैं तो पूरा धागा ही निकल आता है। दूसरे साइड से भी ऐसा ही होता है और उसमें से इतनी बड़े बड़े बीन्स भी रहते हैं। अभी हिंदी में और उसमें क्या बोलते हैं पता नहीं है, इंग्लिश में लीमा बीन्स बोलते हैं और गुजराती और इधर हमारे यहाँ उसको पापड़ी बोला जाता है। सेम की फली इस तरह से भी शायद उसको बोला जाता है। तो इसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है और थोड़ी बहुत मात्रा डार्क लीफी वेजिटेबल्स में भी होती है और लीफ में होती है। तो वो लीव्स कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो थायराइड है मैंने बताया है यह कफ और वात से बेस्ड है। इसमें दो तरह के दोष पाए जाते हैं। जिन लोगों की प्रकृति में वात और कफ दो कंबाइन दोष होते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है, तो उनके लिए थायराइड होना बहुत ही पॉसिबल हो जाता है। और अगर थायराइड है तो यानी ये दो दोष हैं ही, तो उस उन दोषों को ठीक करने के लिए जो कड़ी पत्ता होता है वो सबसे बेस्ट है और दूसरा हरी धनिया। ये दोनों चीजें अगर मिक्स करके आप चटनी बना लेते हैं या कड़ी पत्ते का भी चटनी बना के आप यूज करते हैं, उसके अंदर साल्ट ऐड नहीं करना है। कई लोग साल्ट खाते हैं तो जो हमको पर्पस चाहिए वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करना है, कुछ भी एज अ चटनी उसको पीस के आप यूज कर सकते हो। कड़ी पत्ते को आप सुखा के हर सब्जी के अंदर ऐड कर सकते हो, इवन आप ऑयल में भी यूज कर सकते हो। कड़ी पत्ता सबसे अच्छा है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी किसी हद तक कवर करने में वो कामयाब हो जाता है। और हरी धनिया की चटनी फुदीना जिसको आप मिनट बोलते हैं, वो उसकी मिक्स चटनी, धनिया और पुदीने की मिक्स चटनी भी आप यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो उससे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि बीपी यानी क्या है, वात से रिलेटेड है, तो वो भी कंट्रोल में हो जाएगा आपका। और ये जो थायराइड की ग्लैंड है ये भी एक्टिव हो जाएगी, अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगी। और फ्रूट्स में आता है, दूसरे तो कोई फ्रूट्स में ये चीज पाई नहीं जाती है कि आयोडीन हो उसमें। एक आपने चीज देखी होगी और खाई भी होगी, प्लम। प्लम यानी आलू बुखारा, रेड कलर का होता है या ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन। अभी जो बाहर से आ रहे हैं इम्पोर्ट होके इंडिया में, वो पूरे ब्राउनिश कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन। तो उसमें किसी हद तक पाया जाता है, लेकिन उसको सुखा के फॉरेन कंट्रीज के अंदर प्रूनस बेचे जाते हैं। प्रूनस के नाम से एक ड्राई फ्रूट बहुत ही प्रचलित है जिसको कॉन्स्टिपेशन के फ्रूट से भी जाना जाता है। मेरा पूरा ये वीडियो बना हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रूनस। तो उसमें जो प्रूनस है वो बहुत ही, उसमें B12 भी होता है, B6 भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स की काफी अच्छी चीजें उसमें होती है, तो थायराइड में भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीजें खाने में कुछ रही, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है? यहाँ। तो एक्सरसाइज कौन सी करेंगे जो इस पोर्शन को लॉक करें, जैसे सर्वांगासन हो गया। मैं ये जनरल बेसिस पे बता रही हूँ, आप में से किसी से कोई आसन होते ही नहीं हो, बॉडी में फ्लेक्सीबिलिटी हो ही नहीं, तो जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं सब चीजें बताऊंगी जो भी इसमें आएगी। तो सबसे पहले ये चिन लॉक किसमें होता है? हलासन में होता है, अर्धहलासन में होता है, सर्वांग आसन में होता है, करण पीड़ासन में होता है। इन सभी आसनों में अच्छी तरह से चिन लॉक हो जाता है। ये जो गला चिन, तो चिन लॉक होगा यानी कौन सा बंद लगेगा, उड़ियान बंद लग जाएगा, तो ये लॉक हो जाएगा अपने आप, तो थायराइड ग्लैंड बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा और हाइपोथायरॉयडिज्म में कम काम करता है।
और उसमें ज्यादा काम करता है तो बैलेंस में काम करेगा। चिन लॉक हो गया यानी ये सब ग्लैंड्स का प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बैठने वाले आसनों में देखें तो उष्ट्रासन, कैमिल पोज, पीछे जो हम पैरों को पकड़ते हैं पीछे मुड़ के, वो थायराइड में फायदा करता है। और जैसे भुजंग आसन करते हैं कोबरासन, अगर उसमें हमने ऊपर देखने की बजाय थोड़ा सा गर्दन को पीछे घुमा लिया तो भी ये फायदा करता है। जहां पे भी गर्दन को मूवमेंट आएगी वहां पे थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा, स्टिमुलेशन होगा। और दूसरा क्या करने का, इस दोनों फिंगर्स को एक साथ और ये अंगूठे को हुक को जैसा बनाकर आपको यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ मसाज करने का डेली। और दूसरा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा गर्म करके यहाँ पे इस तरह से मसाज करना है, लेफ्ट टू राइट। मसाज धीरे धीरे करना है क्योंकि यहाँ पेन होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर इस साइड से, राइट से, फिर लेफ्ट से, इस तरह से इसको थोड़ा मसाज कर लेंगे। फिर अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से मसाज करेंगे तो इससे भी एक्टिव हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है थायराइड की, थंब को, राइट थंब को लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट थंब को राइट से ऐसे पकड़ लेंगे, इस तरह से बना लेंगे और 10 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। दूसरे हाथ में राइट से लेफ्ट, लेफ्ट को मसाज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोस्ट इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 3SRB के नाम से उस एक्सरसाइज को जाना जाता है। इस प्राणायाम, इस एक्सरसाइज को सबसे पहले लेकर आने वाले थे कावरिया साहब, जिन्होंने ये पूरे सारे प्राणायाम के जो 7 मिनट्स जो प्राणायाम होते हैं उसकी चर्चा की थी और उसमें ये थायराइड का एक मेन एक्सरसाइज आता है। इसको करना कैसे है पहले मैं डिक्टेट करूंगी, पहले मैं समझाऊंगी, फिर मैं प्रैक्टिकल करूंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करूंगी तो फिर बोलने जैसा उसमें कुछ रहेगा नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगी, दो में से एक चीज होगी। सबसे पहले श्वास को अंदर लेना है, नाक से श्वास अंदर ही रहेगी, नाक बंद कर देंगे, नोज बंद कर देंगे, नोज लॉक हो जाएगा। और फिर हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, आपको जो भी समझ में आता हो, हैंड से इसको आपको, आप हैंड को जो चिन है उसको आप जबरदस्ती अपने चेस्ट के साथ टच करवाएंगे इस तरह से, और एक हाथ नोज के ऊपर रहेगा और हम पानी पियेंगे अंदर। जैसे कोई एनिमल नदी से पानी पीता है तो आपने आवाज देखी होगी, कैसे आवाज आती है, उस तरह की आवाज आएगी। पानी को अंदर पीना है, अंदर उतारना है, पानी को अंदर घूंट पीने हैं, घूंट उसको स्वालो करना है अंदर, तो इस तरह से उसको होगा। किस तरह से पहले मैं दिखा देती हूँ, श्वास भरी, देखा। अब करना कैसे, इस तरह से करेंगे, श्वास भरेंगे सबसे पहले जितनी देर आप पानी पी सकते हैं बिना श्वास के। और जिनको बीपी हाई रहता है वो एक या दो बार इससे करके फिर वापस खोल देंगे, क्योंकि बीपी वालों को कभी भी किसी भी पोजीशन के अंदर श्वास को सस्टेन नहीं करना है, ब्रीथ को रोकना नहीं है। तो वो लोग अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है और अगर बीपी की वजह से, बीपी रोकने की वजह से और बीपी का प्रॉब्लम हो गया श्वास रोकने की वजह से, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम ये 5 बार 10 बार 20 बार आप एक टाइम में जितना रोक सकते हैं इस तरह से करेंगे। ये पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है, इसमें खाने पीने का रोक टोक कुछ भी नहीं है।
जनरली कोई भी एक्सरसाइज कोई भी प्राणायाम खाने के तुरंत बाद नहीं करना होता है, 15-20 मिनट एक घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए। तो आप इसको कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ सुबह में तो करिए ही करिए योग के साथ, रात को सोने के टाइम में भी फिक्स कर दीजिए, और एक बार दिन में या दो बार और करिए तो थायराइड बहुत जल्दी आपका कंट्रोल हो जाएगा। मेरे चैनल में एक वीडियो है ऑलरेडी, उसकी तीनों रिपोर्ट्स वहां दी गई है। तो यही सब करने से उसका थायराइड काफी कम हो गया था और उसको ये वात और कफ की प्रकृति थी। तो स्टार्ट करेंगे किस तरह से करना है, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। स्टार्ट, श्वास भरेंगे अंदर, नोज बंद, चिन लॉक, ये मैंने एक बार किया, ऐसे 5 times, 10 times एक टाइम में कर देना है। अब प्राणायाम में दूसरे प्राणायाम कौन से आएंगे? नाड़ी शुद्धि, नाड़ी भेदन, ये भी मैं बता दूं, कई लोग नए भी शायद जुड़े हों। सबसे पहले राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरह से छोड़ के ही छोड़ेंगे, जब भी हम खत्म करेंगे तब वो अपना राउंड जो होता है वो खत्म करना होता है। कई लोग श्वास भरी और फिर छोड़ देते हैं, नहीं, श्वास ली फिर छोड़ते हुए वो राउंड वो साइड हम छोड़ देंगे। अब फिर यहाँ से राइट से लेफ्ट कर दिया तो राइट, राइट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। कौन सा प्राणायाम है? नाड़ी शुद्धि, नाड़ी को हमने शुद्ध कर दिया, अब नाड़ी को बेदेंगे। नाड़ी को बेदना होता है नाड़ी बेदन प्राणायाम से। कैसे करेंगे? लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। लेग्स, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। रिलैक्स, इसके मिनिमम 25-25 राउंड्स आपको कंपलसरी करने हैं। जिनको थायराइड है 25 इनहेल करेंगे, 25 एक्सहेल करेंगे। हो गया एक साइड, दूसरी साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड नॉट राइट, कंप्लीट आपको राइट साइड करना है। ये हो गया नाड़ी शुद्धि,
नाड़ी भेदन कैसे करेंगे? श्वास लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, ये भी 25 राउंड्स। अगेन राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, ये भी 25 राउंड्स। ये हो गया नाड़ी भेदन। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, वो एक राउंड। मैं 5 राउंड्स करके बताती हूँ, यह भी आपको मिनिमम 25 राउंड्स या 10 मिनट्स डेली करना है। स्टार्ट। Relax. कपालभाति प्राणायाम भी आता है इसके अंदर, लेकिन जिनको हाई बीपी है और नोज बराबर ओपन नहीं रहते हैं या गर्मी का असर ज्यादा है, एसिडिटी है, तो वो कपालभाति को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कपालभाति किस तरह से होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 10 स्ट्रोक लगा के ही बताऊंगी। यह है जिनको थायराइड है, इनको 10 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम को कंपलसरी करना है। रिलैक्स। आप जब भी प्राणायाम करने के लिए बैठेंगे तो पूर्व तैयारी के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उनमें से एक बात यह भी आती है, आपके नोस्ट्रल, नोज के दोनों साइड ओपन होने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आपको प्राणायाम करने में दिक्कत आएगी, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। नोज को एकदम से साफ कर देंगे दोनों साइड्स, और थोड़ी देर वार्मिंग अप के लिए आप नाड़ी शुद्धि ज्यादा करेंगे, नाड़ी भेदन ज्यादा करेंगे, तो आपके दोनों साइड्स ओपन हो जाएंगे। जरूरी नहीं सभी के ओपन ही रहते हों, ये दोनों साइड तभी ओपन रहते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत 100% हम अपनी मस्ती वाली पोजीशन में होते हैं, मस्ती वाले मूड में होते हैं, तब ये ओपन हो जाते हैं। तो प्राणायाम में ये मोस्ट प्रोबेबली सुबह को बहुत सारे लोगों के ओपन ही रहते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका ये सब ठीक होता जाएगा। अब हम बात करेंगे दो मेन प्राणायाम जो वो दोनों प्राणायाम भी थायराइड से रिलेटेड हैं। उनमें से एक है उजई प्राणायाम। उजई प्राणायाम कैसे करेंगे? उजई प्राणायाम से जो टॉन्सिल के प्रॉब्लम है वो भी ठीक होते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम और भी ठीक होते हैं, लेकिन उनमें से मैं यहाँ थायराइड को लेके बैठी हूँ, सब्जेक्ट है हमारा थायराइड, तो उजई प्राणायाम से थायराइड भी कंट्रोल में आ जाता है। किस तरह से करेंगे? पहले श्वास को यहाँ से गले में से खींचेंगे, किस तरह से, इस तरह की आवाज आएगी। कुछ देर हम आवाज गले में से श्वास को खींचेंगे तो वॉइस आएगी, आवाज आएगी, फिर उस श्वास को हमको राइट से, राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से पूरी श्वास बाहर खींच देनी है, और आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। किस तरह से करेंगे? इस तरह से करना है, 3 बार यहां से श्वास को खींचना है। लास्ट टाइम में, जब थर्ड टाइम में आप श्वास को खींच लें, आवाज आ गई, फिर आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करके पूरी श्वास वापस बाहर निकाल देंगे लेफ्ट से। अगेन ये होगा, हो गया उजई प्राणायाम।
अब हम चलेंगे सिंहासन की तरफ। सिंहासन में क्या करेंगे हम? वज्रासन में आएंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो दोनों पैरों को खोल के भी बैठ सकते हैं और पलाती मार के सिंपल भी बैठ सकते हैं। और वज्रासन ओपनली होना चाहिए, एक पैर उल्टा मुड़ेगा राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, बीच में काफी सारा स्पेस हम छोड़ देंगे और दोनों हाथों की पोजीशन इस तरह से रहेगी, इस तरह से नहीं, इस तरह से रहेगी। फ्रंट कैमरा नहीं है मेरे पास इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी। करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, वो डेमो आपको दे देती हूँ। किस तरह से करना है सिंहासन, श्वास को भरेंगे पूरी श्वास, इस तरह से हमें जमीन पे पूरा बैठना होगा और हमारे जो फिंगर्स हैं ये टुवर्ड्स हमारी बॉडी के तरफ जाएगी। फ्रंट साइड में फिंगर्स नहीं होनी चाहिए, रिस्ट हमारा फ्रंट साइड में रहेगा, आउटसाइड में रहेगा, फ्रंट साइड में फिंगर्स रहेगी। अब हम श्वास को भरेंगे, श्वास भरने के साथ जब हम छोड़ेंगे तुरंत छोड़ना है और जीभ को बाहर निकाल देना है और रोरिंग करनी है, सिंह गर्जना। फिर गले को मसाज कर देंगे, ये तीन बार करनी है रोरिंग, तीन बार करनी है और फिर ये इसको मसाज कर देंगे। सिंहासन से आपका फेशियल हो जाता है, आपका पूरे जो फेस के मसल्स हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये ब्यूटी के लिए भी, और दूसरा ब्यूटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इस आसन से आपका मेमोरी बहुत शार्प हो जाता है, क्योंकि हम पूरी जो जीभ है उसको बाहर खींच लेते हैं और ये कनेक्टेड है पूरा। ईएनटी में क्या होता है, कनेक्शन ही होता है, तो टंग भी हमारी एक पार्ट है, टंग का जो इंटरनल पार्ट है वो हमारे थ्रोट से कनेक्टेड है, इसोफगस से कनेक्टेड है, तो ये जो सारी चीजें और थायराइड ग्लैंड, फूड पाइप, विंड पाइप, ये सब कनेक्टेड है, तो इसको करने से ये जो थ्रोट रिलेटेड सारे प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाते हैं। अब चलेंगे मुद्रा की तरफ। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं, उनमें से शंख मुद्रा एक है। शंख मुद्रा को कैसे करना होता है, थंब लेफ्ट हथेली पे रखेंगे और इसको जो बाकी की जो फिंगर्स हैं इनको चारों फिंगर्स को पाम के साथ टच करवाएंगे और जो अंगूठा है और दूसरी फिंगर्स है राइट हैंड की इनको यहाँ मिडिल फिंगर से, सबसे बड़ी फिंगर से टच करवाएंगे। ये हो गया हमारी शंख मुद्रा का शेप, शंख का शेप भी कहलाता है शंख मुद्रा। इस तरह से ये मुद्रा करने से थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। आपकी हाइपर थायराइड हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, इनमें से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर हम अथक प्रयास करते हैं तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। आप बीमारी के पीछे डंडा लेकर भागेंगे तो वो बीमारी रहेगी नहीं, वो भाग ही जाएगी। आप बिना बीमारी के एक दिन प्योर और हेल्दी हो ही जाओगे। तो अगर आप अपने साथ मेहनत करोगे और इतनी सारी बातों का ध्यान रखोगे तो थायराइड रहेगी नहीं, इसको आप चुटकियों में भगा सकते हो। ये मुश्किल काम नहीं है, बस आपको यहाँ पे माइंड सेट करना है कि मुझे थायराइड की गोली बंद करनी है, मुझे थायराइड चाहिए ही नहीं। गोली स्टार्ट हुई वो चली जाएगी, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं, वो चीजों का इलाज हम करते हैं इंतजार करने के साथ। हमें इंतजार नहीं करना है, हमें इलाज करना है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है। चिंतन किस चीज का करना है, पॉजिटिव चीजों का, कि जो बीमारी आई है वो आ जाइए ना, हम बच्चे थे तब तो नहीं थी तो इसको भगा देंगे हम, वो मेहमान है थोड़े दिनों की, मेहमान ही देके उसको अलविदा करना है, बाय बाय करना है। मुद्राएं कौन सी है थायराइड के रिलेशन में, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए मैं आपकी वो होमवर्क देती हूँ, आप थोड़ी ढूंढिएगा कि और किस चीज से। वाता और कफ प्रकृति मैंने बता दी, उन लोगों को थायराइड के चांसेस रहते हैं, उन लोगों में थायराइड रहती है, तो ये दो दोषों को जो भी मुद्रा कंट्रोल करेगी
और जो ये थायराइड एक ग्लैंड है, ग्लैंड का किस, ये जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट का किस चक्र से कनेक्शन है, तो ये विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र कहलाता है। तो इसको भी डेली आप हीलिंग दोगे, हाथ रख के अपना, भले आपको हीलिंग आती है नहीं आती है, मैं अपना थैंक यू बोलती हूँ, कॉस्मिक एनर्जी का थैंक यू बोलती हूँ, इस तरह से आप गले को रोज स्टिमुलेशन दोगे, हीलिंग करोगे, तो भी ये ग्लैंड अपने आप हील हो जाएगी। तो इसे भी आप, ये विशुद्धि चक्र को कौन कंट्रोल करता है, ये उसकी भी मुद्रा है। ये थोड़ा होमवर्क करिएगा, जब तक आप दिमाग को चलाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। रोज न्यू यंग रहने का क्या होता है, यंग हम कैसे रह सकते हैं, जब हम न्यू चीजें सीखते हैं, न्यू चीजें डेवलप करते हैं। मैं उस दिन कुछ मुझे चीज ढूंढनी थी, तो मेरा एक वीडियो आ गया, वो वीडियो को मुझे सुनने का मन किया और मैंने सुना, तो मुझे उसमें से इतनी अच्छी बात मिली, जो बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी, मैंने खुद उसमें बताई ये बात ही, तो मुझे इतनी खुशी हुई और वो मैंने किसी को दी। लेडीज प्रॉब्लम में वो चीज काम आती है, मुझे अंदाजा तक नहीं था और मैंने वो अपने वीडियो में खुद डिक्टेट की है, तो वो मैंने उसको दी तो उसको फायदा भी हो गया। तो हमारे आसपास सब चीजें भरी पड़ी है, हम देखते नहीं है। हम जितना इसे ब्रेन को डेवलप करेंगे ना, उतना ये शार्प होगा। हम कितने भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, ये भी अपने दिमाग का 10% भी यूज नहीं करते हैं, और हम तो कितना परसेंट यूज करते हैं। ये हर इंसान को अपना खुद का नॉलेज होगा। तो इसको अगर हमको घिसाना है, इसमें से काम लेना है, तो हमें इस अपनी बुद्धि को बहुत शार्प करना पड़ेगा, हमें इसको डेवलप करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी। किस चीज में क्या फायदा होता है, ये हमें अपनी जुबान पे होना चाहिए, तभी तो हम किसी का अच्छा कर सकेंगे कि इस बात में आप ये करो, इस बात में आप वो करो। तो ये हमारा अनुभव होता जाएगा और हमारा पैसा सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे कर्म, यही हमारे साथ चलते हैं और कुछ भी नहीं चलता है। चलो अभी 5 मिनट ही रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय बोले। थैंक यू मीना जी वंस अगेन फॉर अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत सारा बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं डायरी लेके बैठती हूँ हमेशा, जब भी आप, मैं बहुत लंबे टाइम बाद आई हूँ, बट जब भी मैं आपके सेशन में आती हूँ मैं डायरी और पेन लेके बैठती हूँ, ताकि आप जो भी गाइड करती रहे तो एटलीस्ट मैं नोट डाउन करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। थैंक यू मीना जी, थैंक यू मीना जी, बहुत अच्छा सेशन था। जैसे अभी अनु जी ने बोला, मैं भी सब नोट डाउन करती हूँ। आपका वीडियो ऑन करिए, यहाँ वीडियो देखते नहीं है आप, कुछ करिए नरेंद्र जी। हाँ जी, यहाँ पे साइड में होता है ना वीडियो, वो ऑन करिए तो मैं देख पाऊँ अच्छी तरह से। मैंने वीडियो ऑन किया है। किस नाम से? अर्चना के नाम से, अर्चना सचदेवा। Yes. अब देखिए मीना जी, अब देख पा रही हैं? जी हाँ, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया। अभी जैसे अनु जी ने बोला ना, मैं भी सब नोट डाउन करती हूँ नोटबुक पे अपनी। अच्छा, बहुत अच्छा सेशन लगता है आपका, वेट रहती है। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मीना जी का सेशन वंडरफुल होता है। एक हफ्ता हमने मिस किया आपको। उस दिन पता है मेरा मन था कि मैं चलो आ जाती हूँ और दे देती हूँ सेशन, लेकिन मेरा फोन बंद, मेरा वाईफाई बंद, एवरीथिंग सब बंद था। मैंने यूनिवर्स चाहता है मैं छुट्टी पे ही रहूँ, क्योंकि छुट्टी ले रखी है ऑलरेडी। नया सीखने को मिलता है, आपका नंबर भी मेरे पास है ऑलरेडी सेव्ड, किसी को पीछे जरूरत थी या पता नहीं उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया या नहीं किया, बट आपका नंबर होना चाहिए एटलीस्ट, जब भी हेल्प मिले, बहुत जरूरत पड़े तो हम किसी को एटलीस्ट गाइडेंस के लिए
हेल्प तो दे सकते हैं ना, हम कह सकते हैं कि हाँ जी आप इनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि आपके जो भी ट्रीटमेंट है बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और उसमें कोई मेरे को लगता है ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते होंगे। और जो जो सिंपल सिंपल रेमेडी, क्योंकि मैं तो योगा फील्ड में हूँ तो मैं तो साथ साथ फिर भी नोट कर रही थी, मुझे भी तो जरूरत पड़ती है फिर भी चाहे कुछ भी हो हमें भी गाइडेंस की, हम टीचर होते भी हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है कि एटलीस्ट हमें और अच्छी गाइडेंस मिले। मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरे पास 2-1.5 महीना पहले एक लेडी आए थे भोपाल से, मैंने वो फोन पे ही बात हुई उनको, जून में डॉक्टर ने बोला था एंजियोग्राफी करवा, उनको चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा था, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट बहुत ज्यादा हाई आया था और उनको दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस थे काफी, उनका पैर में स्वेलिंग भी थी, वेट भी थोड़ा था, तो इतना भी ज्यादा वेट नहीं था पर था। तो उनको मेरा पता चला तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला मुझे सब करना तो है लेकिन मैं करूँ कैसे। मैंने कहा वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं मेरा पेशेंट मेरा गेस्ट होता है ये तो आपको पता ही होगा, उनको मैंने पूछा, बोले हाँ वो मैं कर पाऊंगी। मैंने कहा इजीली कर पाओगे, बोले मेरा बेटा सर्जिकल के कुछ आइटम्स डॉक्टर्स को सप्लाई करता है तो वो मुझे मेडिकल में नहीं लेके जाना चाहता है, वो बोलता है आप नेचुरोपैथ करो मामा, क्योंकि आप हम मैं लेके जाऊंगा आपको और वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको एंजियोग्राफी करेंगे और फिर एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा, तो घर में ऑलरेडी उनके घर में कोई पेशेंट बेड पे भी है तो उनकी भी सेवा रह जाएगी और घर पूरा बिखर जाता है इस तरह से। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको डाइट चार्ट दिया, फोन पे ही दिया सब कुछ फोन पे, मैंने बोला डायरी और पेन लो क्योंकि उनको व्हाट्सएप पे भी पढ़ना और वो सब इतना टाइम भी मिलना चाहिए और समझने में भी लोग बहुत गलती कर देते हैं, वो तो सब मैंने भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, पर उन्होंने फोन पे सब पूछ लिया कंफर्म कर लिया। 15-20 मिनट का एक सेशन चला, ऐसे 2-3 सेशन चले और अभी लास्ट वीक वो डॉक्टर के पास गए तो उनको पहले डॉक्टर ने TMT टेस्ट बोला हुआ था तो फिर एंजियोग्राफी भी बोला था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया था, तो इस बार जो TMT टेस्ट डॉक्टर ने बोला एंजियोग्राफी चलो नहीं करवा रहे हैं तो आप TMT तो करवाओ, तो TMT टेस्ट उन्होंने पास किया बिना किसी हाफे, 5 मिनट्स वो ट्रेडमिल पे खड़े थे और कुछ तकलीफ नहीं हुई, स्वेलिंग पैरों की चली गई है और ब्लड की जो सारी रिपोर्ट आई वो इतनी अच्छी आई है रिपोर्ट। मैंने उनका रफली फिलहाल उन्होंने जो वीडियो बना के दिया मैंने स्टेटस पे रखा हुआ है, आपको देखना हो तो देख सकते हो, कल वो निकल जाएगा। वो इतनी खुश हो गई, बोले डॉक्टर बहुत खुश हो गया मेरे से, बोले आपने क्या किया, दवाइयां तो खाई थी क्योंकि हार्ट की दवाई मैं बंद नहीं करवाती हूँ ये सब, और शुगर और BP भी था थोड़ा बहुत तो गोलियां आधी करवा दी मैंने, और उसके साथ उनको डाइट से जो फायदा हुआ वो कहीं से भी नहीं हुआ है उनको, और बोले 1.5 महीने में अगर एंजियोग्राफी नहीं करवानी पड़ी तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है ना, यानी आगे के 1.5 महीने में तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, उनकी जो 3 गोलियां है वो भी सब बंद हो जाएगी। तो नेचर में इतनी ताकत है, मेरे को लोग नंबर तो ले लेते हैं फोन करते हैं, ट्रीटमेंट करनी नहीं होती है, मेरा चैनल भी नहीं देखना होता है, मैंने चैनल में हालांकि सब कुछ डाल के रखा है सब कुछ, आपको पेशेंट्स के साथ बैठ के चीजें अंदर से ढूंढनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा किस तरह का है, सुनेंगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। कई लोग नए जुड़े हैं पूछ लेते हैं, आप जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो किस तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा चैनल जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरा काम अच्छा है, मैं लोगों का अच्छा करना चाहती हूँ, इससे बीमारियां ठीक होती है, अगर आपको ये विश्वास है मेरे ऊपर तो मेरे चैनल को स्प्रेड करिए आप, क्योंकि एक मुद्रा लगाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, सर दर्द में फायदा हो जाता है, यूरिन प्रॉब्लम, दुबई की लेडी इतने यूरिन में उसको हो गया, अभी अमेरिका में कैसा सब चल रहा है आपको पता है, सब डॉक्टर के पास जाने जैसा नहीं है, मैंने एक मुद्रा खाली सजेस्ट की उसके रिलेटिव को, बोलती है इतना सारा फायदा हो गया, कुछ भी नहीं आता, मुद्राज आर वेरी सिंपल, जस्ट क्लिक शेयर लिंक, नथिंग एल्स, अपने आप वो सुन लेंगे, अपने आप इंस्ट्रक्शन वहां मिल जाएंगे। तो इस चैनल के साथ आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जुड़ेंगे उतना लोगों का भला ही होने वाला है, प्लस खाने की भी मैंने सब चीजें बताई है, किसको करना है किसको नहीं करना है, सब चीजें उसमें ऑलरेडी है। ठीक है जी, सब्जेक्ट रहेगा फैटी लिवर। दूसरी बात एक मैं बताऊंगी कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो लोग हार्ड एक्सरसाइज मत करिएगा, उनके लिए बहुत नुकसान वाली है वो चीज,
क्योंकि ऑलरेडी डी डाइमर बढ़ा हुआ है, ब्लड थिक है, तो डायबिटिक भी हो गए हैं काफी लोग। स्लो एक्सरसाइज, प्राणायाम पे जितना आप जोर देंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो नमस्ते, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी देर झेला आपने सभी ने। नहीं है तो वो बहुत पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। थैंक यू, थैंक यू मच। ये तो गलत बात है मीना जी, झेलने वाली बात नहीं है, ज्ञान लेने वाली बात है। तो बहुत बढ़िया, वंडरफुल।